ओके, okay. so, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि uh, मतलब ये जो चैप्टर से मैं करा रही हूँ तो इसके जो सब रिकॉर्डेड वर्जन जो है वो यूट्यूब पे अवेलेबल है इवन इफ केस आपका कोई फ्रेंड है जो है वो मिस कर रहा है कुछ कर रहा है क्योंकि रिपीट तो होगा नहीं uh, तो फिर आप कुछ मिस कर रहे हो तो यूट्यूब पे है टेल्स ऑफ गोविंद करके पेज है उसमें आप देख सकते हो अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो ठीक है सो लेट्स बिगिन तो अभी ये जनरल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे देखेंगे हम द केव्स ऑफ अजंटा आर सिचुएटेड नियर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र तो बेसिकली वी ऑल आर फ्रॉम लाइक महाराष्ट्र मोस्टली आई होप सो तो हमें पता है मीन्स मोस्टली सबको पता है अजंटा केव्स कहाँ पे है तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है अजंटा में इन महाराष्ट्र द केव्स आर नेम्ड आफ्टर नियर बाय विलेज अजिंता ओके तो नियर बाय विलेज का नाम है अजिंता तो उसके उससे वो रिलेट करके उन्होंने उसके नाम दिया है वहां पे पेड पीपल आर इन द वेटिंग रूम द केव्स इंक्लूडिंग द अनफिनिश्ड वन आर थर्टी इन नंबर तो जो केव्स है इंक्लूडिंग द अनफिनिश्ड वन आर थर्टी इन नंबर सम ऑफ द केव सर्वड एज चैत्यास वर्शिपिंग प्लेसेस एंड मोस्ट ऑफ देम वेर बिहारस मोनिस्ट्रीज uh, तो वो बोल रहे हैं कि ये जो केव्स है वो थर्टी नंबर में है और वो बोल रहे हैं कि कुछ कुछ जो केव्स है वो सर्व के एस वर्शिपिंग प्लेस ओके सो मोस्टली देखो पहले के जमाने में आप देखोगे जो पीपल थे पीपल वर वेरी स्पिरिचुअल ओके तो स्पिरिचुअल पीपल क्या करते थे दे यूज टू मेक अ केव ओके केव में अपनी जो है मेडिटेशन करते थे वर्शिपिंग प्लेस बनाते थे तो प्लेसेस को क्या बोलते हैं चेत्यास ओके एंड मोस्ट ऑफ देम आर मतलब कैसे होते हैं कोई जो चीज है कोई किंग से वगैरह आ रही है तो उस वहां पे वो मोनिस्ट्रीज एज प्ले करते हैं तो उसे मोनिस्ट्रीज बोलते हैं तो अजंटा पेंटिंग्स वर डन इन टू फेजेस तो दो फेजेस में जो है वो अजंटा पेंटिंग्स की गई है मी चेक इफ एनी बडी इज आस्किंग फॉर द लिंक अगेन ओके ऑलरेडी द लिंक इज सेंट ओके तो फिर अजंता की जो पेंटिंग्स है उसमें जो फर्स्ट फेज होता है वो है हिनयान फज वेर लॉर्ड बुद्धा इज रिप्रेजेंटेड इन सिंबल्स एंड द सेकंड फेज इज महानयना फज महायान फेज वेर ही इज नोन एज इन ह्यूमन फॉर्म तो पहला जो फेज है यहाँ पे इन केव्स में वो जो है हिनयान फॉर्म जहां पे जो लॉर्ड जो बुद्धा है उसका जो रिप्रेजेंटेशन कैसा किया गया सिंबॉलिकली उनको रिप्रेजेंट किया है जैसे अभी शिवजी होते हैं ठीक है थीके? तो शिवजी का दो रिप्रेजेंटेशन एक शिवलिंग के फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन होता है और एक जो उनका स्वरूप है उस फॉर्म में एक रिप्रेजेंटेशन होता है तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि दूसरा जो है वो है महायना फेज तो जहाँ पे वो जो है बुद्धा है जो है वो ह्यूमन फॉर्म में उन्हें बताया गया है मोस्ट ऑफ अजंटा पेंटिंग्स वेर डन इन वकट अका पीरियड अजंटा पेंटिंग्स तो कब कब की गई थी ये पेंटिंग्स ये जो है वकटा पीरियड में की गई थी अजंटा पेंटिंग्स ऑक्यूपाई अजिशन इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग तो अजेंटा पेंटिंग्स का क्या है यूनिक पोजिशन है ओके इन हिस्ट्री ऑफ इंडियन पेंटिंग्स तो ऐसे पॉइंट जो है आपको क्या करना है कोई भी आंसर इलाबोरेट कर रहे हो तो उसको डिस्क्राइब करने के लिए पॉइंट याद करने अजेंटा पेंटिंग्स आर नॉट आर नॉट डन इन फ्रेस्को तो फ्रेस्को क्या है फ्रेस्को जो है वो एक टेक्निक है वेर कलर्स आर मिक्सड विथ वाटर सॉल्यूबल बाइंडर्स एंड पेंटेड ऑन ईदर ड्राई और वेट प्लास्टर ओके तो ये फ्रेस्को टेक्निक में क्या करते हैं मिक्सचर करते हैं सोल्यूबल का ओके okay? और क्या करते हैं ड्राई पेंटिंग और या फिर वेट प्लास्टर करते हैं किसी के uh, चीज के ऊपर ओके बट अजा आर्टिस्ट है बट अजेंटा आर्टिस्ट ने कौन सी यूज की थी देखो एक, एक फ्रेस्को टेक्निक है और एक टेम्परा टेक्निक है तो उन्होंने ओल्ड जो ट्रेडिशनल टेक्निक है उनकी वही उन्होंने क्या की गई है वो यूज की गई है द थीम्स ऑफ पेंटिंग्स वर प्राइमरी रिलीजियस इन नेचर जो कोई भी थीम थी अजेंटा पेंटिंग की वो कैसे थी वो बहुत ज्यादा रिलीजियस थी बट दिस एट द सेम टाइम दे ऑल्सो गेव इनफ स्कोप टू द आर्टिस्ट टू शो देअर क्रिएटिव इमेजिनेटिव स्किल्स तो अः uh, मतलब उनकी जो टेक्निक थी भले ही रिलीजियस थी बट जो आर्टिस्ट रहता है आपको पता होगा आर्टिस्ट लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं बहुत ज्यादा इमेजिनेटिव होते हैं दे दे इमेजिन थिंग्स थिंग्स कैन मेक देयर ओन ओके कंसेप्ट के द्वारा वो बना सकते हैं चीजें और बहुत अच्छे से बना सकते हैं तो बोल रहे हैं कि भले ही ये जो उनकी जो टेक्निक थी या फिर सब चीजें थी वो ट्रेडिशनल थी बट उसमें जो है स्कोप था जो आर्टिस्ट है ओके okay? उसको स्कोप था क्या करने का उसकी जो इमेजिनेटिव स्किल्स है वो लाने का

ऑल शो द मास्टरी ऑफ आर्टिस्ट एंड हिस्स कंट्रोल ओवर द ब्रश तो कोई भी जो पेंटिंग करता है तो क्या मतलब सबसे ज्यादा जो है आर्टिस्ट artist... मैटर्स सो लॉट इन दिस कि जो आर्टिस्ट है आर्टिस्ट की मास्टरी कैसी है उसके ब्रश के ऊपर तो यहाँ पे ये जो पेंटिंग है आपको ये पेंटिंग है, जो इमेज है ध्यान में रखना है तो वो बोल रहे हैं कि कैसे वो जो आर्टिस्ट है उसने वो ब्रश के साथ खेला है ब्रश को कितना कंट्रोल में था उसके ब्रश के की आंखें कैसे बनाई है उसके बाल कैसे बनाए है उसके नैन नक्श ये सब कैसे इतने अच्छे से बनाया है इतना इलाबरेटिव बनाया है क्योंकि देखो कोई कुछ भी पेंटिंग बना ले बट जब वो पेंटिंग जो है वो बोलती पेंटिंग होती है ना तो कोई भी जो है वो इम्प्रेस हो जाता है वो माई गॉड सो वंडरफुल वर्क कितना अच्छे से पेंटिंग बनाया तो इसी तरीके से क्या कर रहे हैं ये जो पेंटिंग है इसकी तारीफ कर रहे हैं और बता रहे हैं कि वो जो आर्टिस्ट है वो आर्टिस्ट का काम कितना अच्छा था ही हैड मास्टरी ओवर हिज पेंट ब्रश ओके पेंट ब्रश पकड़ना और पेंट ब्रश की मास्टरी भी हाथ में होना बहुत बड़ी बात है ओके इवन द डैमेज पेंटिंग गिव्स गिवस क्लियर पिक्चर ऑफ हाउ ब्यूटीफुल द कलर्स वेयर देर इज अ लिरिकल क्वालिटी इन दिस पेंटिंग देखो मतलब जैसे अभी मैंने बोला कि बोलती पेंटिंग है मतलब ऐसे तो ये जो डैमेज हो गई ये पेंटिंग बट तो भी उसमें क्या दिख रहा है उसमें एक जान दिख रही है पेंटिंग में द सॉफ्टनेस ऑफ बॉडी कॉन्टर सबल बेंडिंग ऑफ द नेक सिंपलिसिटी गिव द्वालिटी टू देंटिंग द कलर्स यूज हैर्ली एंड डिवोर्ड ऑफ एनी लाउडनेस तो बोल रहे है कि क्या मतलब ये पेंटिंग इतनी अच्छे से ब्यूटिफुली उन्होंने बनाई है कि कैसे जो कलर्स है कितने सटल कलर्स है अः जो आंखें इतनी अच्छे से काव की गई है वो पेंटिंग बोल रही है अ uh, मतलब देखो कोई भी पेंटिंग रहता है आप देखे, देखते होंगे बहुत सारे ऐसे ये लगते हैं लोग मतलब दे द ऑप्शन लगते हैं ऑप्शन में लोग क्या करते हैं पेंटिंग्स ऐसे करोड़ों में खरीदते हैं और हमें सम, हम समझ ही नहीं पाते कि ये पेंटिंग में था क्या इसने इसने

Uh, हमें वो आर्ट की फीलिंग नहीं पता वो टेक्निकलिटीज नहीं पता तो यहाँ पे वो एक पेंटिंग है आपको लगेगा क्या ये इतनी ओल्ड पेंटिंग है इसके बारे में क्यों तारीफ करे बट देखो इतनी ओल्ड पेंटिंग है उसका पूरा रस्ट हो गया इतने सालों पुरानी पेंटिंग है बट तो भी आप ये जो पेंटिंग की आंखों में देखो या पेंटिंग की आंखों में इमोशंस है वो उसका एक स्टिल ऐसे टिल्ट जा रहा है ऐसे झुकी हुई है ये आर्टिस्ट को बनाना भी बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे इमोशन के साथ बनाना है और तब तो मतलब नहीं आज तो भी फोटो के ऊपर फोटो देख के बना लो तब थोड़े ऐसे फोटो होगा वो तो उसने लाइव देखा होगा ना बट कितना अच्छे से झुका उसने देखा है वो नीचे देख रहा है उसके ऊपर जो ज्वेलरी है वो सब कितना अच्छे से बनाया तो आप जो करोगे आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएगा और आएगा ही आप क्या करना है ये जो पेंटिंग है या फिर कोई स्कल्पचर है उसी को उसको इलेबरेट करना उसकी तारीफ करना पेंटिंग है तो ब्रश की मास्टरी करना अगर कोई स्कल्पचर है तो स्कल्पचर के दौरान बताना कि वो जो आर्टिस्ट है उसका जो सब्जेक्ट है उसके बारे में उसको बहुत ज्यादा नॉलेज था तो ऐसे आपको इलाबरेट करते जाना ओके वेन यू विल बी राइटिंग द आंसर कौन से पीरियड का था क्या था ये थोड़ी सी टेक्निकलिटीज याद करके ओके okay. देन यहाँ पे हमने क्या सीखा what you have learned in this civili valley civilization was named after the site from where the first evidence of this civilization was found मेन साइट्स ऑफ दिस इजेशन मोहन जोधारो एंड हरप्पा नाउ पाकिस्तान तो अभी जो मोहन जोदारो और जो हरप्पा है वो अभी पाकिस्तान है वो जो वहां से ये जो excavations, excavations मतलब जो remains है मतलब रिमेन्स कोई भी साइट के क्या होते हैं एक्सकवेश मिलते हैं हमें तो वो वहां से मिले वहां से वो एविडेंस मिला कि हरप्पन सिविलाइजेशन था मोहन जोदारो सिविलाइजेशन था तब के काल में भी लोगों की आप और डीपली अगर इंडस सिविलाइजेशन जानोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत ज्यादा कंसेप्ट थे वो लोग भी उनके पास भी दो फ्लोर के बिल्डिंग्स थे ओके आ, वो, वो एक ग्रेट बात था वहां पे बात लेते थे उनके पास तब भी प्लम्बिंग सिस्टम था हमें लगता है हमने प्लम्बिंग सिस्टम आज जो है आज निर्माण किया है तो ये जो रिमेन्स है वो रिमेन से हमें पता चलता है कि पहले के लोग भी कितने ज्यादा स्किल्ड थे उनके पास भी कितना यह था नहीं तो हमें लगता है हम ही स्किल्ड हो गए क्योंकि हम कंप्यूटर लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं तो दो इनिशियली इट वॉज कंसिडर वॉज मेनलीवर वैली रिसेड बियॉन्ड रिवर तो बोल रहे हैं पह, पहले के एक्सकावेशन से हमें पता चला की बस वो रिवर जो वैली है इंडस रिवर है जिसे सिंधु नदी के नाम से भी जाना जाता था तो वहां पर मिले थे बट अभी पता चल रहा है कि उसके बियॉन्ड भी जो है हमारा जो एरिया वो था दिस सिविलाईजेशन इज नोन एज हरपन सिविलाईजेशन एंड इज बिलीव टू है वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जब लोगों को रहते नहीं आता था खाते पीते नहीं आता था हमको लगता था हम स्टोनेज के जमाने में है बट ये सिविलाइजेशन उसके पहले की है और तब लोग क्या इतने अच्छे से होते थे आर्टिस्ट भी करते थे अच्छे से खाते थे अच्छे से रहते थे Like humans, the way we live, okay? Not like animals. A uh, great number of art and uh, antics have been found from this period, which includes seal, potteries, jewellery, uh, tools, toys, uh, star states, other... Uh, यूटिल ऑब्जेक्ट्स ओके तो बहुत सारी जो है क्या हो गई है इस पीरियड से ज्वेलरी मिली है टॉयज मिली है स्टैचूज मिले हैं दूसरे यूटिलिटी मतलब बर्तन वगैरह मिले हैं यहाँ से हमें क्या लगता है तब बर्तन नहीं थे बट तब भी उन्होंने सब बर्तन बनाए थे सब किए थे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पीरियड उसके बाद में हमने क्या सीखा ये जो पीरियड्स आपको याद रखना एक तो हरप्पन सिविलाइजेशन ओके okay, मोहन का ओके ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बीसी टू सेवनटीन हंड्रेड सेवन फिफ्टी सेवनटीन फिफ्टी और फिर नेक्स्ट पीरियड हमने जो सीखा इंडियन हिस्ट्री का वॉज मोरियन डायनेस्टी था दोन इिगर इन इंडियन हिस्ट्री मेनली बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिनिस्टर ऑफ कौतल्या बेटर नोन एज चाणक्य हिज ग्रैंड सन अशोका द ग्रेट और चंद्रगुप्ता डायनेस्टी के बारे में यही देखते कि उन्होंने अच्छे, अच्छे से राज किया ये किया बट वो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका जो ग्रैंडसन था अशोका द ग्रेट ओके उसने बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया डेवलप किया किस चीज में डेवलप किया आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट लाया और वो हमें पता है Uh, कि अशोका जो है uh, वो जो फॉलोवर था पहले उसने बहुत राज कर लिया उसके बाद में उसको समझ में आया कि अरे मैंने इतना सारा राज क्यों किया इतनी ज्यादा तहस नहसू की फिर देन ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू और ही वाज अ फॉलोवर ऑफ बुद्धिज्म कल्चर एंड इरेक्टेड पिलर्स ऑल ओवर द एम्पायर टू स्प्रेड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा तो उसने क्या किया बहुत ज्यादा इरेक्ट किए पिलर्स टू इन हिज एम्पायर टू स्प्रेड द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा तो आप इस ऐसा भी वो जो पीरियड है उसको ये सब मेंशन करना है आपको जब यू विल राइट द आंसर द मोरियन पीरियड वॉज फॉलोड बाई रूल्स ऑफ डायनेस्टीज लाइक सुंगाज सत्वनाज एंड एंड क्वेश्चन हैड कम फ्रॉम आउटसाइड ओके तो आ, ये जो मोरियन पीरियड है उसमें सुंगास है ओके okay, सुंगाज जब पावर में आए पहले भी हमने पढ़ा ओके okay? तो उन्होंने बहुत ज्यादा और अच्छे से काम किया तो सुंगाज ने क्या किया उन्होंने क्वेश्चंस को जो जो क्वेश्चंस है वो बाहर से आया और उन्होंने क्या किया हमारे इंडिया के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर को और एनहांस किया और अच्छे से बनाया फिर उसके बाद में कौन सा आता है द तो गुप्ता डायनेस्टी वो किसने फाउंड किया चंद्रगुप्ता वन और सक्सीड किसने किया कुशन ने किया, किया। गुप्ताज वेर नॉट ओनली ग्रेट वॉरियर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर बट वेर ऑल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ट्स तो गुप्ता जो थे बस वॉरियर नहीं थे वो बहुत जैब पैटर्न ऑफ आर्ट मतलब उनको आर्ट और आर्किटेक्चर में भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था अंदर द इमेर गुप्ता देर एंड ओवरऑल डेवलपमेंट इन एवरी फील्डिंग ऐसा ही नहीं था बट ओवरऑल फील्ड में मतलब उन्होंने किया साइंस में, में, में भी किया आर्ट में भी किया सब दौरान उन्होंने हर चीज में डेवलपमेंट किया दिस स्पीरियड सॉ द राइज ऑफ द लेजेंडरी पर्सनैलिटी ऑफ कालीदासा आर्यभट्टा वरह महिरा इट इज जस्टिफाइड कॉल्ड गुप्ता पीरियड द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री तो बोलते हैं कि गोल्डन पीरियड ऑफ हिस्ट्री गुप्ता की पीरियड को कहा जाता है ओके आई थिंक वी आर डन विद द चैप्टर सो यहाँ पे देखो ये कुछ टेक्निकल ग्रॉसरी ग्रॉसरी है तो इसमें देखो स्मॉल स्टैचूज ओके स्टैचूज का मैंने यूटेंसिल्स का वगैरह एग्जाम्पल दिया था लैंकी का मतलब है थिनर टॉल टॉल शेफ का मतलब है नैरो एंड यूजली वर्टिकल एडिक्स का मतलब है ऑर्डर प्रोक्लेम्ड बाय ऑथोरिटी फ्रेस्कोस काइंड ऑफ पेंटिंग डन ऑन वेट वॉल्स वेट वॉल्स के ऊपर पोर्ट्रेट हमें पता है स्टूपा हमें पता है uh, मतलब रिमेन्स ऑफ सेंट टू वर्शिप बुद्धिस्ट ओके टेम्पर वॉटर कलर्ड मिक्स विथ व्हाइट मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड कॉमन जनरल अपोजिट ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड लिरिकल मतलब जो है वो पोम ओके okay? और फिर यहाँ पे जो है आंसर ऑफ इंटेक्सट फिर uh, यहाँ पे टर्मिनल क्वेश्चन है राइट इन शॉर्ट द वर्स ऑफ इंडस सिविलाइजेशन तो आप वो लिख पाओगे अभी डिस्क्राइब इन ब्रिश ब्रीफ द पोस्चर ऑफ डांसिंग गर्ल तो हमने अभी ब्रीफ में देखा कि पोस्चर डांसिंग गर्ल का क्या है राइट इन शॉर्ट अबाउट मोरियन आर्ट तो आप ये भी लिख पाओगे क्योंकि अभी मैंने बहुत ज्यादा इलेबरेटली अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसे Why डू गुप्ता पीरियड वो is कॉल्ड गो, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री तो हमने ये जाना क्योंकि उस पीरियड में बहुत ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट हुआ था Uh, और फिर वॉट आर द स्पेशलिटीज ऑफ मोरियन स्कल्पर्स वॉट वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन ने क्या किया और जो आर्ट है उसे और एनहांस किया और उसे इंट्रिकेट बनाया और उसे अच्छा बनाया वो लिखोगे वॉट वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुप्ता पीरियड पेंटिंग तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी गुप्ता पीरियड पेंटिंग्स की अः uh, यहाँ पे देखेंगे कि आप जो है वो जो पैटर्न थे वो बहुत ज्यादा उसे अच्छे से बना रहे थे ओके okay? तो ये जो कुछ वर्ड्स है अक्टूबर स्टूडेंट्स टू ये आप क्या करो शाहिद सर को पूछो यू आलिया प्लीज आस्क शाहिद सर ओके ही विल लेट यू नो अबाउट इट ओके सो वी आर डन विद चैप्टर प्लीज सॉल्व ऑल द दर्मिनल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एनी क्वेश्चन एनी बड़ी गौरवी युसरा गैविन एनी क्वेश्चन विवान महफूज देविक आलिया लैलबा सुजल मीर एनी क्वेश्चन ओके टमोरो so, uh, हम क्या करेंगे दूसरा चैप्टर जो है वो पढ़ेंगे uh, मैं बस मुझे बस आपको पोर्शन बताना डोन्ट लीव द क्लास येट ओके नो नो एवरीबडी सी नो ओके सो ये देखिए आपके बिजनेस uh, स्टडीज हो गया है हमारा पेंटिंग पेंटिंग के नौ चैप्टर्स है टूडे भी कंप्लीटेड फर्स्ट चैप्टर Soon we will second, third, fourth, fifth. ये पूरे चैप्टर कम्पलीट करके हम क्या करेंगे हम डेटा एंट्री पे आएंगे ओके okay? और डेटा एंट्री भी हम कम्प्लीट कर देंगे ओके सो इन ट्वेंटी आर यू रेडी बिकॉज आपकी एग्जाम्स आ रही है तो मुझे कम्प्लीट करके आपके साथ एक एक क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करना है सब चैप्टर्स का ओके सो प्लीज बी प्रेजेंट डोंट मिस द सेशन एंड प्लीज सॉल्व ऑल द टर्मिनल क्वेश्चन ओके सो Um, bye bye everybody.